तुर्की के आसमान में कल रात एक अजीबोगरीब रोशनी नजर आई जो आसमान से नीचे की तरफ गिर रही थी। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, तो यह कोई मामूली लाइट नहीं है बल्कि सहाबा साकिब है। जब कोई शैतान आसमान में गैब की खबरें सुनने जाता है तो फरिश्ते उसको भगाने के लिए आग का गोला फेंकते हैं, जिसे शैतान नीचे भागाता है। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के सूरह जिन आयत नंबर 9 में फरमाता है कि और यह के पहले हम यानी जिन शैतान वहाँ बहुत सारे मकामात पर फरिश्तों की बातें सुनने के लिए बैठा करते थे, अब कोई सुनना चाहता है तो वो अपने लिए आग का गोला तैयार पाता है। यानी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले शैतान आसमान में जाकर गैब की बातें सुनता और जमीन पर आकर जादूगरों को बता देता, मगर हमारे नबी के आने के बाद शैतान का आसमान पर जाना बंद कर दिया गया। और अगर कोई शैतान अपनी मर्जी से ऊपर जाता है तो फरिश्ते उसकी तरफ आग का गोला फेंकते हैं, जिसे सहाबे काशिब कहते हैं, जो कि पिछले साल मदीने में भी नजर आया था और आज तुर्की में नजर आया। तो यह सब अल्लाह ताला की कुदरत है। तो कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखे।